नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल रामबाण औषधि पर। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे फल के बारे में बताने जा रहे हैं जो हजारों बीमारियों का काल है, जिसके लगातार सेवन करने से शरीर रोग मुक्त बना रहता है और कोई भी रोग हमारे आसपास भी नहीं आ सकता है। दोस्तों, आज जिस फल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो फल है आंवला। आंवला में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। आंवले में पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, आयरन। आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, नारंगी से 20% ज्यादा विटामिन सी होता है आंवले में, और इसकी खास बात यह है कि इसको गर्म करने पर भी इसके विटामिन खत्म नहीं होते हैं। दोस्तों, आप आंवले को हल्के में मत लीजिए, इस आंवले में अद्भुत शक्ति है। इसके फायदे इतने हैं कि आप खुद सोचकर हैरान हो जाएंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आंवले के सेवन से क्या क्या लाभ मिलते हैं और कौन कौन लोग इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, जिसके भी शरीर में खून की कमी है या दमा अस्थमा की शिकायत है, स्मरण शक्ति कमजोर है या जिनका लीवर कमजोर है, पेट में गैस बहुत बनता हो, आंखों में जलन हो, हाथ पैरों में जलन रहती हो या सिर दर्द की समस्या हो, तो उनको खाना खाने के बाद दोनों समय सुबह और रात्रि भोजन के बाद नियमित रूप से 1 चम्मच आंवला चूर्ण का सेवन पानी के साथ करना है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि पानी ज्यादा मात्रा में न पिए, उतना ही पिए जितने में की दवा ले सके। गठिया रोग को खत्म करता है आंवला चूर्ण। दोस्तों, जिसको भी गठिया रोग है वे लोग इसका प्रयोग एक बार जरूर करें। इस प्रयोग में आपको 25 ग्राम आंवला चूर्ण और 25 ग्राम ही गुड़ लेना है। अब इन दोनों को मिक्स करके खा लीजिए और ऊपर से एक गिलास ताजा पानी पी लीजिए। दोस्तों, यह प्रयोग आपको दिन में 2 बार करना है, एक तो सुबह खाली पेट लेना है और दूसरा शाम को सूर्यास्त से पहले इस औषधि का सेवन करना है। यह प्रयोग आपको 40 दिन तक करना है। 40 दिन में आपकी गठिया समाप्त हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, हमेशा जवान बने रहने के लिए क्या करें। दोस्तों, खराब जीवन शैली के चलते और गलत आदतों के कारण लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। शरीर की चमड़ी ढीली पड़ जाती है, मुख का तेज खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको इस प्रयोग को जरूर करना चाहिए। यह प्रयोग आपको हमेशा जवान बनाए रखेगा और आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। इस प्रयोग को करने के लिए आपको 1 चम्मच आंवला चूर्ण, 1 चम्मच तिल चूर्ण और 1 चम्मच शहद, इन तीनों को मिलाकर सुबह के समय खाली पेट 20 दिनों तक सेवन करना है। 20 दिन के अंदर आपके मुख का तेज और आपकी खोई शक्ति वापस आ जाएगी, तो आप इस प्रयोग को जरूर करें। फिर आते हैं मधुमेह, शुगर की ओर। दोस्तों, जिसको भी शुगर है, जिसको भी मधुमेह की समस्या है, वे लोग इस प्रयोग को जरूर करके देखें। इस प्रयोग में 1/2 चम्मच आंवला चूर्ण और 1/2 चम्मच हल्दी दोनों को मिक्स करके भोजन के बाद लेने से शुगर कम होने लगता है। इस प्रयोग को आप 1 माह तक कर सकते हैं और दिन में 2 बार इस प्रयोग को करना है, एक तो सुबह के समय खाली पेट और 1 रात्रि भोजन के बाद। इस बात का ध्यान रखें, पूरे पेट की सफाई करने के लिए करें आंवले का सेवन। दोस्तों, अगर आप अपने पूरे पेट का कचरा बाहर निकालना चाहते हैं तो आप आंवला चूर्ण का रात्रि के समय प्रयोग कीजिए। रात्रि में भोजन के 1 घंटे बाद आप 1 से 1.5 चम्मच आंवला चूर्ण 1 गिलास दूध के साथ सेवन कीजिए, यह आपके पूरे पेट की सफाई कर देगा। दोस्तों, आंवले के बारे में कहा गया है कि अगर इसे सुबह खाते हैं तो यह शरीर को शक्ति प्रदान करता है, और अगर इसका रात में प्रयोग करते हैं तो यह रेचक का काम करता है, यानी पेट की सफाई का काम करता है, झाड़ू लगाने का काम करता है। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आंवला चूर्ण घर पर कैसे बनाना है या यह चूर्ण बनी बनाई कहाँ मिलेगी, तो आप निश्चिंत रहिए, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। घर पर आंवले का चूर्ण बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आप बाजार से 0.5 किलो या 1 किलो सूखा आंवला ले आइए। यह आपको पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। सूखे आंवले को घर पर लाकर ओखली हमाम दस्ते में बारीक कूट लीजिए और बाद में मिक्सी में पीस कर इसका पाउडर बना लें और कांच की शीशी में भरकर रख लें। बस हो गया आपका आंवला चूर्ण तैयार। और अगर आप यह सब नहीं करना चाहते हैं तो आप आंवला चूर्ण ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन को पढ़िए।
और वहां दिए गए लिंक पर क्लिक करके आंवला चूर्ण ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इससे आपको कुछ जानकारी हासिल हुई हो। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम बहुत सारी छानबीन करके आप तक यह जानकारियाँ लेकर आते हैं और आपको बताते हैं। हमारा तो एक ही सपना है कि इस देश में कोई भी बीमार ना हो, सब स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। तो आपको थोड़ा हमारा सपोर्ट करना होगा। सपोर्ट यही है, बस आप हमारी वीडियो को शेयर करते रहें ताकि सब लोगों तक यह जानकारियाँ पहुँच सकें और वो अपना उपचार स्वयं कर सके, खुद का डॉक्टर खुद बन सके। तो अब इजाजत दीजिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार ऐसी कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय आयुर्वेद।